प्रदेश में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं ने सरकार के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है। राजधानी के इतवारा इलाके में हुई घटना के बाद जबलपुर में भी ऐसा ही विवाद भड़क उठा है, जहां बजरंग दल के जुलूस पर एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा हमला करने के बाद मामला गर्मा गया था। दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव को रोकने की कोशिश में CSP सहित 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इन घटनाओं पर लगाम लगाने अब सरकार घटना के बाद एक्शन की बजाय प्रिवेंशन के फॉर्मूले पर काम करेगी, जिसके तहत सभी थाना प्रभारियों को बीट सिस्टम के जरिए अपने इलाकों में सख्त निगरानी के लिए कहा जाएगा। साथ ही TI से लेकर सभी अफसरों की जवाबदेही भी तय कर दी जाएगी। हालात बिगड़ने पर थाना प्रभारी सहित सभी जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सतत हमारी निगरानी रहना चाहिए। संबंधित अधिकारियों की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर रहे हैं कि आखिर ये जो घटनाएं होती हैं उसमें हमारे अधिकारियों का क्या रोल था, ये जवाबदारी उनकी बनती है कि कहां ये बातें हैं। सरकार ने इन घटनाओं के लिए विपक्ष को भी जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्री की माने तो विपक्ष इस वक्त पूरी तरह मुद्दा विहीन है, जो सत्ता के लालच में इस तरह की घटनाओं को भड़काने का काम कर रहा है, ताकि प्रदेश की BJP सरकार को कमजोर किया जा सके। मुझे जो लग रहा है कि मध्य प्रदेश इस समय जिस तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण, वो बातें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, क्योंकि अगर अशांत वातावरण यहाँ मध्य प्रदेश का हुआ तो फिर विकास की गति तेज नहीं हो सकती है। उमाशंकर गुप्ता के मुताबिक अल्पसंख्यकों के BJP की ओर बढ़ते झुकाव से कांग्रेस खासी परेशान है, जिसकी वजह से वो सामान्य विवादों को भड़काकर सांप्रदायिक रंग दे सकती है, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस को पहले से ही सतर्क रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज़।